इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi 10 Prime के बारे में, जो कि हाल ही में इसे रिलीज किया गया था Xiaomi की तरफ से। देखें कि क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है और इसका प्राइस कितना है, वो सभी चीज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं Redmi 10 Prime के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस विद 90Hz का डिस्प्ले मिलता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा आपको रेयर में 15 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके बाद आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और माइक्रो कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी आपको 6000 एमएएच का देखने को मिल जाता है विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और हाँ, इसके बॉक्स के अंदर आपको 22 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन चार्जिंग का जो स्पीड है वो आपका 18 वाट तक ही सपोर्ट करता है। मे भी हो सकता है आगे जाके आपको 18 से 22 वाट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपको 9 वाट का रिसीवर चार्जर भी मिल सकता है, यानी कि आप इसी फोन से किसी दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात किया जाए तो देख सकते हैं फ्रंट में आपको डॉट डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसी के साथ यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बैक में आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ऊपर की ओर बात किया जाए तो आपको माइक, स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक, इसी के साथ आपका लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर, माइक्रो एसडी कार्ड सभी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे भी आप देख सकते हैं आपको माइक, टाइप सी और स्पीकर। जी हाँ, इसमें आपको स्टूडियो स्पीकर मिलता है, यानी कि ड्यूल है। अगर आप विदाउट हेडफोन का अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा UI जो आपका MIUI 12.5 का ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि मूवी फ्रेम और प्रो कलर। अरे प्रो कलर क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, सकते नीचे आप फोकस कीजिए, कैमरे के अंदर कोई भी इमेज आ रहा है उसमें आपका कलर आपको सिंपल देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे प्रो कलर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसका कलर जो है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जा रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है प्रो कलर। बात किया जाए इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मेरे को निराश किया। अगर आप एक ब्लॉगर है तो ये फोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही आपको ब्लॉग मोड देखने को मिलता है और ना ही आपको 60fps का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि जो Redmi Note 8 था उसमें आपको 1080p x 16fps का सपोर्ट था, इसमें अगर आपको 720p x 60fps का भी सपोर्ट मिलता तो काफी अच्छा होता। स्लो मोशन, पैनोरामा, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हाँ, ये MIUI 12.5 का बिल्ड है, यानी कि आपको हर एक चीज MIUI 12.5 का ही देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन की बात किया जाए तो गूगल के हर एक एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। इसी के साथ जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अमेजन, फेसबुक, अमेजन प्राइम, लिंक्डइन, MI क्रेडिट, इन्हीं सब एप्लीकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स भी देखने को मिल जाता है। बात किया जाए यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन की तो गैलरी एप्लीकेशन में एक लेटेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वीडियो एडिटर। इससे आप अपने डिवाइस के कुछ छोटे मोटे एडिट्स भी कर सकते हैं अपने वीडियोस में। सिक्योरिटी एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं आपको लेटेस्ट MIUI 12.5 का सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। चलते हैं पे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको MIUI 12.5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। इसके अलावा आपको एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बहुत जन को ये सवाल है कि MIUI 12.5 के बाद MIUI 13 देखने को मिलेगा कि नहीं, एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिलेगा या नहीं। जी हाँ, आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिला है तो आपको डेफिनेटली इसमें एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा विद MIUI 13। कनेक्शन एंड शेयर की बात करें तो इसमें आपको कुछ लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे क्रोमबुक। इससे क्या हो कि अगर आपके पास क्रोमबुक है तो आप इजीली आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नियर बाय शेयर करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर के साथ ये वर्क करता है। और यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, आपके पास कार वगैरह और अपने डिवाइस को आप कार में एक्सेस करना चाहते हैं, इजीली आप यहाँ पे कनेक्ट करके कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको राइस ट्विक का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पॉकेट मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पॉकेट मोड को इनेबल कर लीजिए, इससे आपका अननोन टचेस को प्रोटेक्ट करता है। इसे आप डिसेबल भी कर देंगे तो चलेगा। डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको रीडिंग मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शेड्यूल वगैरह सेट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। रीडिंग मोड से आपका आई प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको बैक आना है। इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो आपका बाय डिफॉल्ट 60fps पे रहेगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 90fps पे इसे यूज कीजिए, जिसका आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो कभी भी खराब नहीं होगा। यहाँ पे साउंड
एंड वाइब्रेशन की बात किया जाए तो आपको लेटेस्ट MIUI 12.5 का देखने को मिल जाता है। साउंड असिस्टेंट में कुछ लेटेस्ट ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीप्ले एप्स। एग्जांपल के लिए आप पबजी में अलग मीडिया साउंड को सेट करना चाहते हैं, यूट्यूब में अलग मीडिया साउंड को सेट करना चाहते हैं, जो वॉल्यूम लेवल है इसे आप एडजस्ट करके रखेंगे। मान लीजिए इतना पबजी में और इतना आपको यूट्यूब में चाहिए, तो आप इजिली यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल करके कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन में भी आपको चाहिए तो आप इजिली यहाँ पे इनेबल करके इसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक ऑप्शन जो मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद है, मुझे जरूरत भी होता है, जैसे कि साइलेंट मीडिया इन साइलेंट मोड। अब इस केस में क्या हो कि मान लीजिए अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं, म्यूजिक वीडियो या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें आपको साइलेंट मोड चाहिए कि कॉल नोटिफिकेशन आए तो उसमें साउंड नहीं होना चाहिए, तो आप इसे इनेबल करके इजिली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल्स, अगर आप कोई ऐसा कॉल मिस कर दिए है और आपको मालूम भी नहीं है तो ये 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करे कि भाई ये बंदा आपको मिस कॉल किया था या कॉल किया था, आपको अगर कॉल करना है तो आप कर सकते हैं। हर 15 मिनट में आपको वार्निंग देगा। वाइब्रेट ऑन टैप, इसे आप ऑफ कर दीजिए जिससे आपका डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। इसी के साथ आपका बैटरी बैकअप में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आपको लेटेस्ट MIUI 12.5 का UI देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में आपको ओल्ड न्यू दोनों ही देखने को मिल जाता है, दोनों ही परफेक्टली वर्क कर रहा है जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ब्लर मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक ऑप्शन यहाँ पे आपको MIUI 12.5 का ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लासिक और विद ऐप ड्रॉ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको गूगल डिस्कवर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गेस्चर या नेविगेशन बटन आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि गेस्चर यूज़ कीजिए, क्योंकि गेस्चर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी होता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको अरेंज रिसेंट आइटम टैब की भी मिल जाता है, क्योंकि आप नॉर्मल से आप आईफोन स्टाइल में आपका रिसेंट टैब को आप यूज़ कर सकते हैं। ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में हर एक ऑप्शन यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे कि स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सभी चीज़ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलते हैं यहाँ पे ऐप्स पे। ऐप्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट। इससे क्या हो कि आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन का शॉर्टकट अगर आप अपने डिवाइस के डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पे नहीं रखना चाहते तो आप इजीली यहाँ पे आके रिमूव कर सकते हैं। बैक आते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप। सिस्टम ऐप्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन जो सिस्टम से रिलेटेड है जैसे कि गूगल का हो गया या शाओमी का, और उसे आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आप वापस से यहाँ पे आके रिकवर कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है जो आने वाले एंड्रॉइड 11 के जितने भी डिवाइस है वो सभी में आपको देखने को मिल जाता है। डुअल ऐप्स, उसके बाद ऐप लॉक, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे। यहाँ पे आपको गेस्चर शॉर्टकट, स्क्रीन रिकॉर्डर, मेमोरी एक्सटेंशन यानी कि आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो फिलहाल अभी 2GB तक का है। मे भी हो सकता है आगे ये बढ़ सकता है, या आप अपने हिसाब से मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको यहाँ पे लैग इशू देखने को नहीं मिलता है। गेस्चर इन शॉर्टकट में काफ़ी सारे लेटेस्ट ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि डबल टैप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें से आप जो भी आप सेलेक्ट करके यूज़ करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन शॉट लेना है, अगर आप इस तरह से डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीन शॉट कैप्चर कर लेगा, और भी बहुत सारा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे कि रियलमी में आप गेम खेलते टाइम अपना वॉइस और सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है, जो एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद डिजिटल वेब लिंक, डिजिटल वेब लिंक से आप अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, कितना नोटिफिकेशन आया है, कितना बार आप चार्जिंग वगैरह यूज की है, सभी चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर देता है। स्पेशल फीचर्स में आपको वीडियो टूलबॉक्स, गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पीड, लाइट मोड, सभी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात रही रेडमी 10 प्राइम में आपको वॉइस चेंजर का सपोर्ट देखने को मिला है या नहीं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई भी वॉइस चेंजर का सपोर्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला। इन फ्यूचर्स हो सकता है अपडेट के बाद यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर का सपोर्ट देखने को मिल जाए। और हाँ, हो सकता है रेडमी 10 प्राइम में BGMI खेलते टाइम आपका गेम टर्बो सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर आएगा। आपको बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो 12,000 के प्राइस में आपको काफी अच्छा फोन मिल जाता है। पावरफुल प्रोसेसर, पावरफुल बैटरी, 90 FPS, हर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बात रही पबजी का, तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगा। मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जायरो से डिले देखने को मिलता है, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं जायरोस्कोप को ज्यादा बढ़ा के। इसके अलावा जो ग्राफिक है अल्ट्रा प्लस स्मूथ सपोर्ट करता है, अगर आप एक्सट्रीम के लिए सोच रहे तो एक्सट्रीम ये सपोर्ट नहीं करता, आप कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। बात रही कि 12,000 के प्राइस में इस फोन को लेना चाहिए या नहीं, तो मैं तो कहूँ कि आप इसका बेस वेरिएंट ही लीजिए जो 12,000 के आसपास का आता है। तो यही था इस वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।